वेलकम टू कामा सूत्रा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस चैप्टर के अंदर शास्त्र बताता है कि जो भी स्त्री और पुरुष मन चले और कंवारे होते हैं, उन्हें आपस में प्यार इजहार करने के लिए चार तरीके से हग करना चाहिए, आलिंगन करना चाहिए, स्पृष्टक, विद्वक, उद्घष्टक और पीड़ितक। स्पृष्टक के अंदर अपने सामने से आती हुई स्त्री के जिस्म को किसी बहाने से छूना स्पृष्टक आलिंगन कहलाता है। विद्युक, जब स्त्री पुरुष को किसी एकांत स्थान में बैठे हुए देखती है या खड़े हुए देखती है तो किसी चीज को उठाने के बहाने अपने अपर पार्ट को उसके शरीर से छुआ दे और पुरुष भी उस पार्ट को कस कर दबाए, उसको विद्युक आलिंगन कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ये दोनों प्रकार के हक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब स्त्री और पुरुष आपस में ज़्यादा बातचीत ना कर रहे हों। उद्घषक, अगर भीड़ भाड़ में, अंधेरे में या एकांत में दोनों के शरीर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उसे उद्घषक आलिंगन कहते हैं। पीड़ितक, किसी खंभे या दीवार के सहारे खड़े होकर जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शरीर के कामुक अंगों को जोर जोर से दबाते हैं तो उसे पीड़ितक आलिंगन कहा जाता है। उद्घषक और पीड़ितक आलिंगन ऐसे स्त्री और पुरुषों के लिए होते हैं जो आपस में प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन उनके बीच में किसी तरह का शारीरिक संबंध ना बना हो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।